हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है और काफ़ी अच्छी धूप है। दिन दोपहर का 1 बज गया है, तो 1 बजे से ये मैं ब्लॉग कर रही हूँ। अभी तक मैं कर रही थी सारे काम और बहुत सारे काम रहते थे, तो लवी मेला भी मतलब औपचारिक रूप से ख़त्म हो चुका है, मतलब औपचारिक रूप से बंद हो गया, समाप्त हो गया है। लेकिन अभी शॉप्स तो चल रही हैं, शॉप्स तो अब चलेंगी। तो अभी जो नाइट प्रोग्राम्स वगैरह थे उसमें हमने खूब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें तो इस बार। और आज बस अब ये सारे कपड़े वगैरह धोने के बाद, ये देखो कितने सारे कपड़े मैंने धोए हैं, यहाँ से लेकर वो सारे कपड़े यहाँ पे भी है, हैंगर में भी और कुछ ऊपर भी हैं। और साफ़ सफाई करने के बाद अब देखते हैं, फ़ोन आ रहा है, फ़ोन सुन लेते हैं पहले। हेलो, फ़ोन आया था दीदी का। हाँ जी, तो सारी साफ सफाई तो हो चुकी है और अब है मुझे तो इतने सारे कपड़े हैं जो कि मुझे तय करने हैं। लेकिन दीदी का कॉल आ गया है कि भंडारा है वहाँ पे हर मंदिर के पास, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो हम भी चलते हैं भंडारा खाने के लिए। देखते हैं, एक दो को और बोलती हूँ, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं, दीदी तो है ही वहाँ पर, मैं भी फटाफट से चल जाऊँगी भंडारा खाने। तो जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिलता है भंडारा, तो मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है फटाफट से। ये कपड़े रहते हैं तय करने को, ये मैं शाम को करूँगी जब अनुराग को पढ़ाऊँगी, उस टाइम करूँगी साथ साथ में तय। तो अभी फटाफट से पहले पानी देख लेते हैं ज़रा कितना भरा है, और आज पानी भी आया है उसको देखना पड़ेगा। चलते हैं लैंड। मम्मी कर रहे हैं यहाँ पे आराम धूप में, थोड़ी धूप थोड़ी छाया में, धूप बहुत तेज़ है आज। और अभी पानी देख के मैं आ गई हूँ, पानी तो भर गया है ऑलमोस्ट, आज ठीक आ रहा है पानी। कभी कभी दिक्कत हो जाती है बीच बीच में, लेकिन आज तो ठीक है, सभी टैंकियों में पानी भर गया है। फटाफट तैयार हो लेते हैं और चलते हैं भंडारा खाने के लिए। देखती हूँ, मनीषा को कॉल करती हूँ, अगर वो भी चलेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो यहीं तो जाना है पास ही, अकेले भी चल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको। मैं हो गई हूँ रेडी, मनीषा भी जा रही है मेरे साथ, फटाफट चलते हैं। मनीषा भी हो गई है रेडी, शायद फ़ोन कर रही है मुझे कि आ जाओ, फटाफट निकलते हैं, ऐसे ही जाएंगे। थोड़े से रेडी हो गए हम बस, ऐसे ही थोड़े से कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि वो मेरे गीले थे कपड़े। मनीषा भी तैयार है और बहुत सारी सेना है हमारी, पूरी सेना, हम सब जा रहे हैं भंडारा खाने। खाना तो आधा भर, आपको पता था भंडारा है भैरवीर मंदिर में, तो यहाँ पे है आज भंडारा। ये है यहाँ के पंडित जी, पुजारी जी। ये है भैरवीर का मंदिर। भंडारा शुरू, हम भी पहुंच गए टाइम से, दो हैं हम। नमस्ते आंटी, नमस्ते जी, नमस्ते जी जी। हेलो हेलो सभी को। आंटी थोड़े हो गए सारे, ये पहुंचे हैं यहाँ पहले ही। नमस्ते आंटी, ठीक है, और कैसे आप? ठीक है, बढ़िया। ये साड़ी ना तो मतलब क्यों जो कौन अच्छा बोला कैसे आओ बोला बड़े भंडारा खाने, तब आए हम भी। तैयार था, ये आ गए हमारे चावल, यहाँ देखो भूखों पेटुओं ने तो शुरू भी कर दिया है खाना। कितना कुछ लग रहे हम तो अभी मिले चावल, आंटी भी खा रहे हैं, आंटी भी खाने आंटी मिले आज बहुत दिनों के बाद। ये आ गई हमारे दाल मटर पनीर, हमारी किस्मत में भी था इसलिए हम आ रहे हैं। अंकल दे रहे हैं, ये देखो बस अंकल बहुत है।
धो रहे हैं हाथ। बस धो लिया बस मैंने, हाँ नीचे रख लिया। तो भैरव जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पे भंडारा था, हमने तो खा लिया, मजा आया ना, टेस्टी बना था, राजमा चावल मटर पनीर। हमारी किस्मत में था इसलिए हम भी आ गए, और पहली शिफ्ट में ही मिल भी गया हमें गरम गरम, टेस्टी बना था और मीठा भी खा के अब हम आ गए। अब हम थोड़े धूप में वेट करते हैं, बाकी आ रहे हैं हमारे साथ के पीछे, वेट करेंगे यहाँ धूप में थोड़ा आगे जाके। ठंड है यहाँ, जैसे नाला जैसे है ना यहाँ, वहाँ जैसे धूप में जाएंगे। वहाँ पहुँच गए घर, फोन स्कैम। अभी हम पहुँच गए घर, दिया जी अजी भी आए हमारे साथ, अब बैठे हैं थोड़ी धूप सेकेंगे। तो अभी हो गई शाम और अनुराग भी आ गया है स्कूल से ही, देखो पता नहीं बाहर क्या शोर हो रहा है, क्या कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, हम आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं और मेरे ये धोए हुए कपड़े इतने सारे, मैं इनको तय भी करूँगी साथ साथ में और अनुराग के साथ होमवर्क करने में मदद भी करूँगी। तो फटाफट से हम ये काम कर लेते हैं। अभी सब्जी मैंने काट के रखी है, तड़का मैंने बना के रखा है इसीलिए ताकि अनुराग को पढ़ा पाए शाम को, नहीं तो फिर अंधेरा जल्दी हो जाता है और खाना भी हम जल्दी खा लेते हैं तो फिर हो जाता है लेट। अगर इसलिए मैंने सब्जी में तड़का वगैरह बना दिया है, बस उसमें आलू डाल के बाद में पकाऊंगी बाद में। तो बस अभी हम पढ़ लेते हैं। अनुराग ने निकाल दिया, ये क्या निकाला अनुराग, ये हिंदी क्या करना है, रिटर्न वर्क है, निकालो फिर फटाफट। भी आ गए हैं जल्दी आज, इनकी तबीयत कैसी, तबीयत ढीली है, ढीली है, क्या हुआ, पत्थर की दर्द हो रही की तो ऐसे ही, पता नहीं, हाँ मुंह भी काला काला हो गया आपका, जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, इनकी भी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है। और अब चलते हैं, हम क्या करना था, हमने फ्यूज़ लगाना है, हमने फ्यूज़ किया हुआ है एक किराएदार का, तो वो लगाना है। अनुराग तब तक आप रिटर्न वर्क करो ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सारे कपड़े तय भी कर दिए हैं यहाँ पे और लाइट ही बार बार जा रही है आज, तो बस ये कैमरा है हमारा, ये जो कैमरे की लाइट है ये बहुत काम आती है हमारे, ये देखो अनुराग को पढ़ाई करने में भी हेल्प करती है ये लाइट। और ये देखो मैंने सारे कपड़े भी तय कर दिए, अब मुझे खाना भी बनाना है। अनुराग कर रहा है अभी इंग्लिश के क्वेश्चंस लर्न, ये देखो इस लाइट से काफ़ी रोशनी होती है, पढ़ाई के लिए ईजी हो जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है, उसके बाद रात को लाइट काफ़ी लेट आई तो मैंने खाना वगैरह बनाया और खाया पिया और फिर उसके बाद सो गए थे, कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, उसके बाद ब्लॉग का एंड भी नहीं किया था। अभी सुबह जल्दी उठ गए थे, अभी कूड़ा वगैरह फेंक के आए हैं हम और अब बनाते हैं चाय वगैरह। तो करेंगे नए ब्लॉग को स्टार्ट, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।